सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीर बाबा किन लोगों को पसंद करते हैं, किन लोगों की पीर बाबा अपने आप ही बिन मांगे हर दुआ को पूरा कर देते हैं। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान वह चाहता है कि पीर बाबा मुझे पसंद करे, मुझे अपने चरणों में जगह दे, मेरी हर इच्छा अपने आप ही पूरी कर दे, मुझे कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसा पीर बाबा किन लोगों के साथ करते हैं, कैसे लोग पीर बाबा को पसंद हैं? पीर बाबा उन लोगों को पसंद करते हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में एक ही मुर्शद के लड़ लग कर रहता है। वह अपने पीरो मुर्शद का दर छोड़कर कहीं और नहीं जाता, चाहे उसकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के दुख तकलीफ आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, जिंदगी उथल पुथल हो जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, फिर भी वह अपने पीरो मुर्शद के अपने गुरु के दर पर बैठा रहे। जिसको अपने पीरो मुर्शद पर पूरा यकीन है, विश्वास है और वह यह सोचता है कि मेरा पीरो मुर्शद मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, मेरा पीरो मुर्शद मुझे हर मुसीबत से निकालेगा, मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। जिस इंसान की श्रद्धा भावना, उसका यकीन विश्वास पक्का हो, जिसका सिद्क पक्का हो, ऐसे लोग पीर बाबा को बहुत पसंद हैं। अगली बात, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश का वह ध्यान रखते हैं, अपने माँ बाप को वह खुश रखते हैं, ऐसे लोग पीर बाबा को बहुत पसंद है। यो लोग दूसरों की चुगली निंदा बुराई नहीं करते, जिनमें लोभ मोह अहंकार नहीं है, ऐसे लोग पीर बाबा को बहुत पसंद हैं। जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनकी आंखें कभी कोई गलत चीज नहीं देखती, जिनकी जुबान किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोलती, जिनके हाथ गलत काम नहीं करते, जिनके पांव गलत जगह पर नहीं जाते, ऐसे लोग पीर बाबा को पसंद हैं। जिन लोगों के दिल में दूसरों के दर्द को देखकर दर्द महसूस होता है, जिन लोगों को दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आती है, ऐसे लोग पीर बाबा को पसंद हैं। जो लोग अपने से ज्यादा अहमियत अल्लाह ताला की मखलूक को देते हैं, चाहे अपने पास कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों का सहारा बनते हैं। जब इंसान को समझ आ जाती है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, अगर जानते हुए भी कोई लोग गलती बार बार करता है, उस गुनाह को बार बार करता है, जबकि पता है कि ये गलती है, ये गुनाह है, मुझे नहीं करना चाहिए, अगर कोई इंसान पहले की हुई गलती से सीखकर आगे वह गलती नहीं दोहराता, वह गुनाह नहीं करता, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, ऐसे लोग पीर बाबा को पसंद है। जो लोग हर चीज में अल्लाह ताला का शुक्राना करते हैं, अपने पीरो मुर्शद का शुक्राना करते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वह शुक्राना करना नहीं छोड़ते, ऐसे लोग पीर बाबा को पसंद हैं। जो सबर शुक्र के साथ चलते हैं, ऐसे लोग पीर बाबा को पसंद हैं। पीर बाबा हमसे कोई धन दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहते, वह हमसे सच्ची श्रद्धा प्यार इश्क चाहते हैं कि मेरा मुरीद मुझ पर यकीन रखे, विश्वास करे, मेरी रजा में रहे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और अगर मैं उसे जिंदगी में खुशियां दूं तो वह उसमें भी खुश रहे, अगर उसको मैं जिंदगी में दुख दूं तो उसी में भी वह खुश रहे, ऐसे लोग पीर बाबा को बहुत पसंद है, जो पीर बाबा की अपने मुर्शद की रजा में रहते हैं। सो आप अपने अंदर झात मार कर देखो, अपने अंदर देखने की कोशिश करो कि क्या यह गुण मेरे में है, क्या मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है,
क्या मेरे अंदर पीर बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है? क्या मैं दर दर तो नहीं भटक रहा हूँ? अगर आप में कोई भी इस समय बुराई है, उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे पीर बाबा के आगे आप दुआ फरियाद करते रहें और जो गलती पहले हो चुकी है उसे भूलकर आगे से वह गलती कभी ना दोहराएं, तो पीर बाबा आपकी बिन मांगे हर दुआ को पूरा करेंगे। ऐसे लोगों की पीर बाबा खुद हर इच्छा पूरी करते हैं मांगने से पहले। सो अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें, दूर करें, आगे से गलती करने से तौबा करें, एक पीर बाबा के लड़ लग कर रहें और कभी किसी का भी बुरा ना सोचें, माँ बाप की इज्जत करें, पीर बाबा के आगे दुआ करते रहें, शुक्राना करते रहें, बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो इन बातों पर गौर जरूर करें, पीर बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें। आमीन।